My beetroot salad is ready and this is the first time I'm eating something like this. सबको पता होगा कि विराट कोहली को छोले भटूरे कितने पसंद है, मतलब क्या hype है, मैं आपको बता भी नहीं सकती. And unlike PCC, I love PCJ by the way. लेकिन I was still always a bread butter jam person. Okay, the golgappas are really nice, really crispy and everything. लेकिन I still miss my meaty chutney. Everyone, welcome back to my channel. I am Ritima and आज मैं खाने वाली हूँ वो खाना जो कि है most favorite, most followed people on Instagram का. India में जो सबसे ज़्यादा followed people on Instagram है, उनका favorite food we are going to have today. So let's get started. So India में जो number one पे most followed person on Instagram है, वो है विराट कोहली with more than 237 million followers. मतलब इतने लोग. Oh my God. मुझे लगता है ये सबको पता होगा कि विराट कोहली को छोले भटूरे कितने पसंद है, मतलब क्या हाइप है, मैं आपको बता भी नहीं सकती. लेकिन आई थिंक रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे जो उनके मोस्ट फेवरेट है, आई चेक्ड, वो यहाँ पर डिलीवर नहीं करते. तो या बट आई रियली प्रॉमिस कि अगली बार जरूर जाके वहाँ पर ट्राई करेंगे. लेकिन अभी के लिए मैंने मंगवाए हैं छोले भटूरे. So here's my plate of chole bhature and they smell so much of desi ghee, I can't even tell you. So I have chole here with me. मैंने शायद पहले एक किसी शॉट में बताया कि आई डोंट लाइक आलू, आई एम नॉट एन आलू पर्सन. एंड इसमें इन्होंने ऊपर एक आलू और एक इतनी बड़ी सी मिर्ची डाल के दी है, मुझे लगता है मुझे दोनों ही बाहर निकालने पड़ेंगे. एंड साथ में दे हैव गिवन मी अचार एंड चटनी. ऑनेस्टली जो काट वाले छोले भटूरे होते हैं और उसके साथ जो इससे सैलड और गाजर का अचार एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन विराट कोहली से द सेम थिंग्स, लाइक एग्जैक्ट सेम थिंग, कि प्याज चटनी अचार सब चाहिए होता है साथ में. मतलब ऐसे छोले भटूरे मेरा मजा ही नहीं आता है सच में. चलो हो गए प्लेट सेट, अचार वचार भी सब निकाल लिया हमने. And I can't wait to try it. Oh my god. I have never seen orange color ki filling inside. See? But who cares? So this is my bite of chole bhature. Oh my god, look at the color. This is so pretty. Oh my god. So good. Bhai, jisne invent kiya na ye. सलाम है तुम्हें. सी मुझे लगता है आप किसी से भी पूछोगे ना कि उसको छोले भटूरे पसंद है या नहीं, वो बंदा हाँ ही बोलेगा. लेकिन विराट कोहली का जो प्यार है ना छोले भटूरे के लिए, वो नेक्स्ट लेवल है. अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आई थिंक इट इज फ्रॉम डेली टेस्ट मैचेस, जिसमें वो अपने कोच से बात कर रहे हैं एंड पीछे से कोई सपोर्ट स्टाफ छोले भटूरे की प्लेट लेके आता है एंड सडनली हिज मूड चेंजेस, लाइक इट फ्लिप्स. That is the kind of प्यार यू वांट इन लाइफ. सच बताओ तो मैं भी अभी विराट कोहली जितनी ही खुश हूँ ये खा के. आप देखते हैं नेक्स्ट कौन है. सो नंबर टू पर है प्रियंका चोपड़ा जोनस विद 85.2 मिलियन फॉलोअर्स. एंड अनलाइक पीसीसी, आई लव पीसीजे बाय द वे. तो मैंने एक्चुअली सर्च किया एंड गूगल सेज कि प्रियंका को बहुत ज्यादा पसंद है एग्स खाना, ऑमलेट्स विद टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट हो गया, इडली, डोसा एंड पोहा. सो इसमें से फटाफट किचन में जाते हैं और कुछ 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 बना के लेके आते हैं एंड देन वी विल हैव इट. ओके, सो अपेरेंटली प्रियंका का फेवरेट फूड लुक्स लाइक अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट प्लेट विच इज दिस. दिस हैज पोहा, दिस हैज ऑमलेट एंड दिस हैज टोस्ट. सो या मेरे जैसे इंसान के लिए टिपिकली दिस इज अ परफेक्ट प्लेट फॉर ब्रेकफास्ट. बट अपेरेंटली प्रियंका इज क्वाइट अ फूडी, शी हैज एडमिटेड दैट एंड शी लव्स इंडियन फूड. मतलब उनको बटर चिकन पसंद है, उनको चाट पसंद है, उनको स्टफ पराठास पसंद है, उनको ये पोहा, इडली, सांभर, डोसा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शी लव्स. सो या आउट ऑफ दोज आई हैव सेलेक्टेड दीज टू. सो लेट्स जस्ट हैव आवर पोहा. आई लव पोहा. मतलब मैं बहुत फ्रीक्वेंटली पोहा खाती हूँ अपने घर में. जो भी चीज जो सेलिब्रिटीज की फेवरेट है ना, मेरी भी फेवरेट है, बहुत पसंद है. सी एज मच एज आई लव पोहा, आई लव ब्रेड ऑमलेट टू. ये मैंने वाइल ग्रोइंग अप इतना खाया ना. एंड ब्रेड ऑमलेट से ज़्यादा मेरी मम्मी बनाती है वो फ्रेंच टोस्ट. मतलब टेक्निकली वो फ्रेंच के हिसाब से फ्रेंच टोस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो अंडे के बैटर में इसको ब्रेड को डिप करके जो बनाते हैं ना, ऐसे तवे पे सेक के, ओह माय गॉड, दोस आर द बेस्ट एंड माय मॉम मेक्स देम द बेस्ट. ये भी ठीक है वैसे, बट ओह माय गॉड, दैट वन इज अमेजिंग. सो जो थर्ड मोस्ट फॉलोड पर्सन है इंस्टाग्राम पे इंडिया में, वो है श्रद्धा कपूर विद ओवर 78.4 मिलियन फॉलोअर्स. सो गूगल सेज कि उनको टिपिकल महाराष्ट्रियन खाना बहुत ज्यादा पसंद है एंड लाइक वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, कीमा पाव, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद है. सो लेकिन उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पे ये भी देखा कि उनको चाट भी बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक पानीपुरी एंड रगड़ा पैटिस एंड एवरीथिंग. सो मैंने मंगवाया है एक्चुअली वड़ा पाव एंड साथ में पानीपुरी.
तो या एक पंथ दो काज, मैंने मेरे को दोनों चीज़ें पसंद है तो मैंने दोनों चीज़ें मंगवा ली। एक्चुअली वड़ा पाव का और भी काफ़ी सारे आए थे, वो शिवम के लिए आए थे क्योंकि यू नो हाउ मच ही लव्स वड़ा पाव, एंड गोलगप्पे भी एक्स्ट्रा प्लेट्स आए थे मेरे घर वालों के लिए। सो मैं फटाफट से अभी असेंबल कर लेती हूँ एंड देन वील हैव पानी पूरी फर्स्ट, आई कांट जस्ट वेट। पता है एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगती है ना, वो ये है कि आई डोंट नो वाई हैव पीपल स्टॉप्ड गिविंग मीठी चटनी, दे डोंट गिव एनी चटनीज, साथ में बस मीठा पानी और ये खट्टा वाला पानी दिया है, मीठी चटनी नहीं है ब्रो। सो ऑब्वियसली मीठी चटनी नहीं है तो मुझे मीठा पानी और खट्टा पानी दोनों आधा आधा ऐसे लेना पड़ेगा, ऑल दो आई हेट टू डू इट बट आई हैव टू। लेकिन प्लीज यार कॉमेंट करके बताओ यार, ये फेयर नहीं है। ओके द गोलगप्पा आर रियली नाइस, रियली क्रिस्पी एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई स्टिल मिस माई मीठी चटनी। मैं मीठी चटनी के बिना नहीं खा सकती गोलगप्पे, बट आई एम ग्लैड पानी अच्छा है। सो फटाफट मैं खोलती हूँ वड़ा पाव। एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा आज मेरी किस्मत विद चटनीज को क्या हुआ है, इन्होंने भी मुझे सूखी वाली चटनी नहीं दी है, दे हैव जस्ट गिवन दिस, ये वाली चटनी, आई थिंक दिस इज द गार्लिक वन या पता नहीं, अभी खा के देखना पड़ेगा, और ये हरी चटनी साथ में दी है, सूखी वाली चटनी जो गार्लिक वाली होती है, घाटी मसाला वो उन्होंने दिया ही नहीं है, एंड इट्स बैड, मतलब नो ब्रो नॉट डन। भाई क्या खुशबू है ये गार्लिक की। सो हियर गोज माय वड़ा पाव। श्री नाइस की इन्होंने अंदर भर के लगाया हुआ है वो घाटी मसाला, दैट गोज सी, एंड ऊपर भी लिपस्टिक हमेशा लगती है, इट्स वेरी नाइस, वेरी फ्लेवरफुल, वेरी गार्लिकी, जस्ट एग्जैक्टली हाउ आई लाइक इट। आप लोग प्लीज मुझे फटाफट कॉमेंट करके बताओ कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, पानी पूरी या वड़ा पाव। और नंबर 4 पर है आलिया भट्ट विद 75.3 मिलियन फॉलोअर्स, एंड ये भी सबको पता है कि उनको बीटरूट सैलेड कितना ज़्यादा पसंद है, चिया पुडिंग कितनी ज़्यादा पसंद है। सो उन्हीं के चैनल से मैंने रेसिपी ली है बीटरूट सैलेड की, मैंने प्रेपरेशंस भी कर लिए, मैं फटाफट किचन में जाती हूँ, जल्दी से बनाते हैं। थोड़े ज़्यादा ही पसीने आने लगे हैं अब किचन में, एंड मैं थक चुकी हूँ, एनीवे माय बीटरूट सैलेड इज रेडी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग समथिंग लाइक दिस। मेरे को नहीं पता ये रेसिपी कहाँ से ऐसे इजाद हुई है, आई हैव नो क्लू, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ट्रस्ट मी मुझे सैलेड्स बहुत पसंद है, एंड ये मैं करोड़ बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियोज में, लेकिन अगर ये अच्छा निकला एंड इफ इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सैलेड, आई एम डेफिनेटली making it again, because I love beetroot, I love salad, I love kadi patta, I love everything about this, I don't know how it tastes together, and to find that out jaldi se isko try kar lete hain, although mujhe isme oil ka concept acha nahi lag raha hai, matlab I don't know mere se thoda zyada dala hai ya kya hai, lekin any which ways aap kitna bhi dalo wo dahi ke upar upar aise tairega hi, ooh lot of kadi patta, anyways here goes my bite, I'll just see and I'll tell you ye kaisa hai, I don't know, mix ajeeb si feeling aa rahi hai mujhe। ओके मेरे पैलेट के लिए बहुत डिफरेंट है, मतलब इट हैज बीटरूट तो आपको वो सैलेड वाली फ्रेशनेस भी आएगी, एंड हल्का सा लाइक स्वीट टिंज भी आएगा, देयर इज कर्ड और कर्ड में तड़का है, एंड बहुत सारा जीरे का और राई का टेस्ट है, एंड कड़ी पत्ते का भी, एंड ऊपर से ऑयल भी है, आई डोंट नो, पूरे मेरे इंग्रीडियंट्स दोबारा गिना दिए हैं, आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्चुअली एक्सपीरियंस, प्लीज बनाओ और खाओ और जरूर बताना। ओके मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि आई कैन गिव दिस अ ट्राई, बट ऐसा नहीं है कि ओ माई गॉड दिस इज समथिंग, अब तो ये मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बना के खाने वाली हूँ, वैसा नहीं है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, कभी कुछ नहीं समझ आए तो डिफरेंट है, बट आई कॉन्ट से इट्स लाइक वाओ ओ माई गॉड, हो सकता है एक्वायर्ड टेस्ट हो, थोड़ा टाइम लगे डिवेलप करने में, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर आप बहुत हीट में हो, बहुत गर्म मौसम है, टेम्परेचर है, दिस इज समथिंग वेरी लाइट ऑन योर स्टमक, या आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। So the fifth most followed person in India and the last one for the video today is Neha Kakkad with 73.9 million followers. Honestly, I know Neha Kakkad और टोनी कक्कड़ के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो पक्का शिवम मुझे मार डालेगा, बट इट इज व्हाट इट इज, मुझे दिल पे पत्थर रख के करना पड़ रहा है। तो गूगल ने कहा कि नेहा हैज अ स्वीट टूथ एंड उनको गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, चॉकलेट केक और ये सब चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इसीलिए मैंने मंगवाया है गुलाब जामुन, एंड उसके अलावा उनको, अगर आपने उनको इंडियन आइडल के सेट पे वो बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियोस देखे हैं, शी इज ऑलवेज सीन ईटिंग ब्रेड जैम, मेरे अंदर का बच्चा ना बाहर आ गया ये देख के, शी लव्स ब्रेड जैम, मतलब कम ऑन, कितना टाइम हो गया यार ऐसे, मतलब घर पे बैठ के ब्रेड जैम खाए हुए,
लिटरली मतलब स्कूल के बाद अब याद आ रहा है मुझे, लेकिन आई वाज स्टिल ऑलवेज अ ब्रेड बटर जैम पर्सन। तो अगर आप भी ऐसे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे सिर्फ ब्रेड जैम नहीं पसंद, आई वांट बटर आल्सो अलोंग, सो ब्रेड जैम फॉर यू, फॉर मी एक्चुअली, थैंक्स टू नेहा, जस्ट थिंक हैड नॉस्टैल्जिया यू नो, मेरे को सच में नहीं याद लास्ट टाइम मैंने ऐसे बैठ के ब्रेड जैम कब खाया घर में। एंड अभी भी ये बनाने के लिए ना मुझे लिटरली जैम ऑर्डर करना पड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि हम ये स्वीट नोट पे ऐसे डिजर्ट खा के एंड कर रहे हैं वीडियो। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो या द हाईलाइट फॉर टुडे, यार व्हाट इज व्हाट्स रॉन्ग विद यू बीकानेर वाला, लुक एट द पैकिंग, कम ऑन, मतलब मैं ये खोलते खोलते थक गई हूँ, गोलगप्पे के ऊपर भी आई थी ये सब वाली पैकिंग, तो अभी मैं इसको खोलने की कोशिश करी थी, ये टूट जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन ये खोलेगा नहीं, मतलब क्या व्हाट्स रॉन्ग यार। गुलाब जामुन फॉर यू माई फ्रेंड्स, शिट, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हमेशा कैसे हो सकता है। एनीवेज मेरे को पोछा लगाने पड़ेंगे अभी, सो गुलाब जामुन फॉर यू माय फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ हो रही थी ना, ले ले। आर यू अ गुलाब जामुन पर्सन और रसगुल्ला पर्सन, प्लीज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर गुलाब जामुन पर्सन, आई डोंट लाइक रसगुल्लास, टिल द टाइम दे आर लाइक बिग स्पॉन्ज रसगुल्लास, वो भी लाइक रेयरली, बट गुलाब जामुन, ओ माय गॉड, दिस इज अ डिफरेंट वाइब, so good, oh my god, I'm so happy, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश है ना, but I'm really happy that I'm ending this video on this note, so this was it, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, please like, share, comment and subscribe, मुझे आपको इन सारे celebrities में से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, बहुत like, आपका most favorite कौन है, please comment करके ज़रूर बताना, and आगे और कौन से videos देखना चाहते हो वो भी comment करके ज़रूर बताना, and like, share, comment and subscribe, सबको बोलो subscribe करने के लिए, और जल्दी से मिलो मुझे अगली वीडियो में, Instagram पे follow कर लो, बाय बाय।